हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सूरज बिहार ड्रीम ब्लॉग्स। पालम विहार में ये कॉर्नर की प्रॉपर्टी 270 स्क्वायर प्लॉट साइज़ है, कॉर्नर है, पार्क फेसिंग है। और ये इसका हो गया फ्रंट एलिवेशन, जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत सा लग रहा है, जो कि आप देख पा रहे होंगे। और सामने पार्क है, ये पार्क देख लीजिए आप, पार्क फेसिंग कॉर्नर। साइड से मैं दिखा देता हूँ व्यू आपको, यार साइड व्यू देख लो, बहुत अच्छा काम किया हुआ है बिल्डर ने। और ये साइड एलिवेशन हो गया, यहाँ पर रैंप बना के पूरा दे रहा है, फर्स्ट क्लास है। यहाँ पे आप प्लांट लगा सकते हो, यहाँ से चेकआउट करो इसका साइड एलिवेशन, जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत सा लग रहा है। ये मूविंग ऑन टू दी फ्लोर एरिया। और ये इसका हो गया पार्किंग एरिया, फॉसिलिंग का भी काम हुआ होगा इसमें। स्टोरेज टैंक जो है आपका यहाँ पे आ जाएगा, 3.5 लीटर का स्टोरेज टैंक है यहाँ पे पर फ्लोर, एक एक दिया हुआ है, 4 बने हुए हैं। यहाँ पे गेट आ जाएगी फर्स्ट क्लास। और सामने पार्क है, ये देखिए आप, पार्क फेसिंग प्रॉपर्टी है, फर्स्ट क्लास है। इसमें फर्स्ट सेकेंड है, थर्ड फोर्थ बिक गया है। ये देखिए, ये रेलिंग लगेगी आपकी बैल्कनी में, फर्स्ट क्लास है, देखने में काफ़ी खूबसूरत सा लग रहा है ये भी डिज़ाइन इसका। एक साफ्ट ये दिया हुआ है यहाँ पर, बैक साइड में टाइल्स का काम किया गया वॉल में, जो कि आप देख पा रहे होंगे। मोटर सब यहाँ पे आ जाएगा। लिफ्ट लॉबी दिखा देता हूँ, फेस चेंजर यहाँ लगी हुई है, फेस चेंजर यहाँ लगा हुआ है। और ये स्टेयर केस है, और ये लिफ्ट का प्रोविजन दिया हुआ, मूविंग ऑन टू द फ्लोर एरिया। ये स्टेयर केस हो गया, लिफ्ट टॉप तक आएगी, छत तक। और ये हो गया छत, हो गया ये टाइल्स का काम पूरा किया गया है इसमें, फ्लोरिंग में। एक साफ्ट यहाँ दिया हुआ है, 1000 लीटर का सिंटेक्स आएगा आपको इसमें टॉप में पर फ्लोर, एक एक दिएगा। सुप्रीम का सिंटेक्स दिया हुआ है यहाँ पे। अगर आप लोग को अच्छा लगता है वीडियो में बनाता हूँ डालता हूँ, तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब भी किया करो, इसी तरह मोटिवेशन मिलता है कि मैं और भी अच्छा सा कंटेंट लाऊं अपने चैनल पे आप लोग के लिए। तो छत हो गया, ब्रांडेड लिफ्ट आएगी यहाँ पे। और ये स्टेयर केस में यहाँ पे इन्होंने विंडो का प्रोविज़न भी 2 दिया हुआ है, जो कि आप देख सकते हो, मूविंग ऑन टू द फ्लोर एरिया। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज सूरज गुड़गांव ड्रीम ब्लॉग्स। 270 स्क्वायर प्लॉट साइज़, और ये पार्क फेसिंग कॉर्नर यूनिट है। और इसमें अब फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ सोल्ड आउट है। और जो फेसिंग है, ये ईस्ट फेसिंग है, जो फ्लैट में एंट्री करते हैं वो नॉर्थ फेसिंग है। प्रॉपर्टी ये 270 स्क्वायर है, और ये 17 स्क्वायर फीट कार्पेट एरिया है। ये इसका ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया आ गया, ड्राइंग कम डाइनिंग, फर्स्ट बेडरूम अटैच वाशरूम, ड्राइंग कम डाइनिंग किचन, सेकेंड बेडरूम अटैच वाशरूम, थर्ड बेडरूम अटैच वाशरूम, 3 बैल्कनी है इसमें फ्रंट एंड बैक। और इस थर्ड बेडरूम में भी अटैच बैल्कनी है। फ्लोरिंग की बात करूँ तो सारे में काम किया गया है इटालियन फ्लोरिंग का। ये ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया है, फर्स्ट क्लास है, एसी का प्रोविजन भी दिया हुआ है इसमें। और ये किचन है, किचन की बात करूँ फ्रेंड्स, इसे फ्लोरिंग देख लें आप, पूरा इटालियन है ये, और मॉडलर किचन बनी हुई है। आप यहाँ देखिए, जो इन्होंने पार्टीशन करा हुआ है, सारे में मार्बल का काम किया गया, सारे पार्टीशन में नीचे प्लेटफॉर्म पर और नीचे सरफेस पे पार्टीशन सारा मार्बल है। मॉडलर किचन बनी हुई है, जो कि आप देख पा रहे हो कि फर्स्ट क्लास काम किया गया है। ये इसका पेंट्री एरिया आ गया, प्लेटफॉर्म पे इस कलर की मार्बल लगी हुई है, ग्रेनाइट, जो कि आप देख सकते हो ये। और यहाँ पे स्टोव और चिमनी आएगी, 2 आपको यहाँ विंडो दे रहा, ईस्ट फेसिंग है, पार्क फेसिंग है। देखिए किचन के सामने ही आपका पार्क है, कितना अच्छा व्यू रहेगा, देखिए यहाँ से सामने पार्क आ गया, फर्स्ट क्लास है। यहाँ सारे बॉक्सेस बने हुए हैं, माइक्रोवेव ओटीजी के लिए यहाँ प्रोविज़न दिया हुआ है, साइड बाई साइड के यहाँ फ्रिज आ जाएगी। तो ये हो गया किचन, और ये हो गया ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया। और ये हो गया इसका फ्रंट बालकनी,
मूविंग ऑन टू द फर्स्ट बेडरूम, और ये इसका फर्स्ट बेडरूम है। फ्लोरिंग की बात करूँ तो वुडन टाइल्स का काम किया गया है, पाउजन की काम हुई हुई है इसमें। ई पी वी सी के साइड डोर्स आ जाएगा इस तरफ। यहाँ पे भैया वाटर बना रहे हैं जो कि आप देख सकते हो। कॉर्नर प्रॉपर्टी है ये, बालकनी हो गया। इससे अटैच के वॉशरूम है। वॉशरूम की बात करूँ तो फिटिंग सारे जैगवार के रहेंगे। शावर, कमोड, वॉश बेसिन, फिटिंग सारे जैगवार के। और ये इसका हो गया, ये ड्राइंग रूम हो गया। और यहाँ डाइनिंग टेबल आ जाएगी फर्स्ट क्लास। फॉल सीलिंग का भी काम हुआ हुआ है। जैसे आप एंटर करेंगे यहाँ से, नॉर्थ फेस जो फ्लैट है जो एंट्री करते आप करोगे, ये नॉर्थ फेसिंग है। सामने आपको इस तरह पी ओ पी वर्क दिखेगा। मूविंग ऑन टू दी सेकेंड बेडरूम जो कि है मास्टर बेडरूम है इसका। काफ़ी बड़ा साइज़ है भैया, थोड़ा सा रुक जाइए, सेकेंड दो मिनट रुक जाइए। अगर बात करें इसकी फ्लोरिंग की, इसमें भी काम किया गया है, पूरा इटालियन फ्लोरिंग का। फॉल सीलिंग का भी काम हुआ हुआ है जो कि आप देख पा रहे होंगे। इस तरफ जो है यहाँ बेड आ जाएगा आपका। यू पी पी सी के साइड डोर्स आ जाएंगे। इस तरफ ए सी का प्रोविजन दिया हुआ है। यहाँ टी वी पैनल आ जाएगा फर्स्ट क्लास। और इससे अटैच से वॉशरूम हो गया। और यहाँ आप देख सकते हैं ये वॉकिंग क्लोजेट है, इधर पूरा वार्डरोब बना हुआ है। यहाँ पे वॉश बेसिन आएगा, ये शावर है। क्वालिटी देखिए कितना अच्छा काम करा बिल्डर ने। सारा जितने फिटिंग्स है सारे जैगवार के फिटिंग्स रहेंगे, फर्स्ट क्लास है। काम काफ़ी बेहतरीन से किया गया है इसमें। ये वॉशरूम हो गया। और यहाँ पे आपको वॉकिंग क्लोजेट मिल रहा है अंदर में ही। नीचे तीन ड्रॉअर्स आ जाएंगे। स्टोरेज के लैम्प स्पेस दिया हुआ है इसमें। और ये भी जो है पीछे की बालकनी से हो रहा है कनेक्ट। अगर मैं इसकी बात करूँ फ्लोरिंग की, तो इसमें काम किया गया है मार्बल का। आयरन की रेलिंग भी दी हुई है इसमें। आउटडोर के लिए इस तरह प्रोविजन दिया हुआ है, दो आउटडोर यहाँ जाएगा। मूविंग ऑन टू द थर्ड बेडरूम। और जैसे घुसेंगे थर्ड बेडरूम में, आप देखिए आप जो इसका जो है ड्राइंग कम डाइनिंग किचन। और ये इसका हो गया सेकेंड बेडरूम। और थर्ड बेडरूम सारा इटालियन है एक्सेप्ट फर्स्ट बेडरूम। फर्स्ट बेडरूम वुडन टाइल्स का काम किया गया है। थर्ड बेडरूम की बात करूँ, इसमें भी काम किया गया है पूरा इटालियन फ्लोरिंग का। वॉशिंग का भी काम हुआ हुआ है इसमें। और यहाँ पे टीवी पैनल आ जाएगा इस तरफ। यहाँ पे बेड आ जाएगा, किंग साइज़ की बेड आपकी। और ये पीछे की बालकनी हो गया। यहाँ पे ड्रेनेज के लिए दिया हुआ टैप का प्रोविजन यहाँ दिया हुआ है। आयरन की रेलिंग भी दी हुई है इसमें फर्स्ट क्लास। और ये थर्ड बेडरूम से मैं बताना चाह रहा था कि थर्ड बेडरूम में भी छोटी सी बालकनी दिया हुआ है। यहाँ देखिए छोटी सी बालकनी दी हुई है फर्स्ट क्लास। यहाँ अगर आप खड़े होंगे तो व्यू देखिए कितना अच्छा है। यहाँ पर रैम दिया हुआ है फर्स्ट क्लास। यहाँ पर भी गाड़ी की पार्किंग कर सकते हैं आप, है ना। तो ये थर्ड बेडरूम से बालकनी मिल गया आपको। और इससे अटैच वॉशरूम है। ये अंदर घुसेंगे आप तो ये वॉकिंग क्लोजेट है फर्स्ट क्लास। और इससे अटैच जो है ये आपको यहाँ पर वॉशरूम भी मिल रहा है। ये देखो ये वॉशरूम हो गया। यहाँ पे वॉश बेसिन, कमोड, शावर, फिटिंग जितने भी रहेंगे सारे जैगवार की फिटिंग्स रहेंगे। अच्छा लगा तो लाइक्स एंड सब्सक्राइब। प्राइस की प्लीज चेकआउट डिस्कशन वहाँ में डाल दूंगा। प्राइस की एनिमल चेकआउट भी कर लेना। ओके गाइस, बाय, टेक केयर।